आज बनाएंगे हम डलगोना कॉफी, आप इसे विप्ड कोल्ड कॉफी भी कह सकते हैं। और अभी ये कोल्ड कॉफी ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे, आपका टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, आपको हर जगह ये रेसिपी मिल जाएगी। आइए शुरू करें बनाना डलगोना कॉफी यानी कि कोल्ड कॉफी। सबसे पहले हमने लिया है ये एक इंस्टेंट कॉफी पाउडर 2 टेबल स्पून, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। और ये हम डाल देते हैं बाउल के अंदर। इसी के साथ ही हम इसमें डालेंगे चीनी, तो चीनी मैंने ली है यहाँ पर ये 3 टेबल स्पून, 3 चम्मच चीनी डाल देंगे हम। और इसी के साथ ही हम इसमें डालेंगे गरम पानी, हल्का गरम ले लीजिए या फिर गरम पानी ले लीजिए, तो मैं यहाँ पर गरम पानी ले रहा हूँ 3 टेबल स्पून, जो कि मैंने डाल दिया है। और अब क्या करेंगे हम विस्कर से विस्क करेंगे, इसे लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे फ्लफी होने में, जैसे क्रीम होती है ना केक की क्रीम, कुछ इस तरीके से फ्लफी हो जाएगा। तो आप इसे अच्छी तरीके से फेंटिए, मतलब बीट कीजिए काफ़ी देर तक, और ये फ्लफी हो जाएगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मेरे पास है ये इलेक्ट्रिक हैंड बीटर, इससे मैं कर लूँगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 7-8 मिनट में ये हो जाएगा। पहले शुरू में धीरे धीरे करेंगे, फिर स्पीड एकदम बढ़ाते जाएंगे और हमारी जो कॉफ़ी है वो एकदम केक की क्रीम जैसी हो जाएगी विप। तो ये देखिए हमारी केक की क्रीम की तरह हो रही है विप, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये जो इसका पॉइंट है ना, आप देख सकते हैं जैसे केक की क्रीम होती है ना, इस तरीके से ही होती है। ये अच्छी तरीके से विप हो गई है। अब क्या करेंगे, अपने जो गिलास में सर्विंग गिलास के अंदर मिल्क डालेंगे, तो मैंने ये 2 गिलास लिए हैं, टोटल 3 से 4 गिलास बन जाएगी आपकी कोल्ड कॉफ़ी डलगोना कॉफ़ी। और ये जो हम डालेंगे ये 1/2 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे दूध, मतलब 3/4 कप गिलास मिल्क हम रखेंगे। और मैंने ये लिया है चिल्ड मिल्क, आप चाहें तो नॉर्मल मिल्क ले सकते हैं और साथ में आइस क्यूब डाल सकते हैं। मैंने शुगर यानी कि चीनी डाल दी है 1 छोटा चम्मच 1 छोटा चम्मच, मिक्स करेंगे। और बस अब कुछ नहीं करना है, जो हमने विप की है अपनी कॉफ़ी वो इसके ऊपर डालनी है। और आप चाहें तो गर्म दूध भी ले सकते हैं, हॉट कॉफ़ी भी बना सकते हैं। इतना होगा बस, जो आप ये डालेंगे वो फ्लोट नहीं करेगी, मतलब ये जो विप की हुई कॉफ़ी है वो काफ़ी हद तक आधी जो है वो उसमें चली जाएगी, मिल्क में मिक्स हो जाएगी और थोड़ी बहुत ऊपर रह जाएगी अगर आप गर्म दूध लेते हैं तो। ये हमारी तैयार है डलगोना कॉफ़ी, आप चाहें तो इसके ऊपर चोको चिप्स डाल सकते हैं, आप चाहें तो कॉफ़ी पाउडर से गार्निश कर सकते हैं। मैंने अभी इसे फ़िलहाल ऐसे ही रहने दिया है और आप इसे मिक्स करके पीजिए। तो ये तैयार है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।